वेलकम टू मॉम एंड डॉटर कुक्स। आज हम बनाएंगे दूध पाक, जो हम कुकर में बनाएंगे। जनरली तोप में दूध पाक बनाते समय ज़्यादा टाइम लगता है, तो आज हम देखते हैं हम इसके नए तरीके से कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है दूध, चीनी, चावल, बादाम, पिस्ता, केसर और इलायची पाउडर। अब हम बनाएंगे दूध पाक। इसके लिए मैंने कुकर में 1 लीटर दूध ले लिया है और बासमती चावल लिया था मैंने, जो 2 चम्मच, उसको मैंने आधा घंटे पानी में भिगो के रखा था, वो मैंने डाल दिया है। अभी मैं इसमें चीनी डालूँगी। मैंने 4 चम्मच चीनी डाला है, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसको हम दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने गैस की फ्लेम फास्ट रखी है और दूध में एक उबाल आने तक उसको चलाते रहेंगे ताकि चावल नीचे न बैठ जाए। अभी हमारा दूध उबल गया है और अब हम इसमें कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हमारा जो एकदम छोटा वाला गैस का बर्नर है इसके ऊपर हम कुकर को रखेंगे और कुकर बंद कर देंगे और एकदम स्लो गैस पे उसको मैंने 25 मिनट तक पकाया है और सीटी नहीं आने दिया है। अब आप देख सकते हैं 25 मिनट के बाद मेरा दूध पाक बनके तैयार हो गया है और आप देखो चावल एकदम अच्छी तरह से उसमें पक गया है और एक गाढ़ापन भी आ गया है। अब हम उसमें जो हमने बादाम लिया था उसको मैंने भिगोया था और छिलके निकाल के उसको काट लिया था, वो डालेंगे। और पिस्ता को भी मैंने भिगो के आए छिलका निकाल कर उसको काट लिया है, वो डाल दिया है। और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाला है और केसर लिया था उसको भी मैंने पानी में भिगो दिया था, वो डाल देंगे। तो देखो हमारा दूध पाक एकदम बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं केसर डालने के बाद उसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और उबलने के बाद भी उसका कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो तैयार है हमारा कुकर में बना हुआ दूध पाक। आप इसको ठंडा भी खा सकते हैं और गरम भी खा सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और बनाना और बताना हमको कि आपसे दूध पाक कैसा बना है। और आप पहली बार भी उसको बना रहे होते हैं तो भी अच्छा ही बनेगा। तो तैयार है हमारा दूध पाक। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।